सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने नून लीग पर लफजीवार बोले, नून लीग जमीनी इलेक्शन हार के इल्जाम लगा रही है। शायद खाकान ने कहा कि सिलेक्टर ने हमें जितवाया है, अगर सिलेक्टर्स के बगैर जीत नहीं मिलती तो नून लीग को डस्का और नौशहरा में कैसे कामयाबी मिली। आसिफ जरदारी की जमानत डील का नतीजा है तो फिर शहबाज शरीफ भी डील के तहत रिहा हुए। नून लीग दोहरा मयार बंद करे, असल में नून लीग इमरान खान उस्मान बुजदार को हटाना नहीं चाहती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, केवाड़ी में सड़क की तामीर जून तक मुकम्मल करने का हुक्म, ड्रेक्स रोड की तामीर का भी जायजा। कराची में कोरोना केसेज में इजाफा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक हफ्ते के दौरान मरीजों की तादाद दोगुनी हो गई। मुख्तलिफ सब डिविजन में दो हफ्ते के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, कारोबार गिर सरमंगे बंद, डबल सवारी पर पाबंदी।